अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है, आप सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज है 16 अगस्त। मैं कल व्लॉग नहीं बना सकी है 15 अगस्त को। मैंने सोचा था मैं आप सबको भी मुबारकबाद दूंगी, मेरे जो इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं उनको, लेकिन 14 अगस्त को भी मैंने जस्ट थोड़ा सा क्या कहते हैं, मेरा मूड ऑफ था, तो बस मैंने मुबारकबाद दे दी हल्की फुल्की। क्योंकि अब जब दिली तौर पे खुश ना हो तो आप फिर ज़ाहरी तौर पे भी नहीं वो कर चीज़ पाते हो शो। मेरा मानना है ऐसा, मैं नहीं कर पाती। अगर मैं अंदर से थोड़ी सी उदास हूँ ना तो मेरे से ऊपर ज़ाहरी तौर पे नहीं हो पाता। लेकिन खैर कोई नहीं, वो वक्त भी गुजर गया। तो मैं कल ब्लॉग बनाना चाहती थी तो, और आप सबको मुबारकबाद भी देना चाहती थी जो मेरे इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आज मेरी तरफ से आप सबको, और उम्मीद है आप सब ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा अपना ये इंडिपेंडेंस डे। और क्योंकि आपको जो इस दिन की ये खुशी होती है ना, अगर आप सही माने में क्या कहते हैं सेलिब्रेट जब करते हो ना, आपका दिल अंदर से खुश हो, तो चीज़ को सेलिब्रेट करने में उतना ही मज़ा आता है। तो मुझे उम्मीद है आप सब ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। और पाकिस्तानी मेरी जो क्या कह सकते हैं सब्सक्राइबर्स जो है, उन्होंने भी माशाल्लाह अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। लेकिन मैंने एक दो वीडियोस देखी थी टीवी पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ को देख के अफसोस हुआ था कि मैं उस बारे में अब क्या बात करूं। कुछ खवातीन को लेके मैंने देखा था कि बहुत ही गलत और मिसबिहेव किया गया था उनके साथ पुलिस के थ्रू। तो खैर अल्लाह ऐसे लोगों को पूछे जो खवातीन की इज्जत नहीं करते हैं। लेकिन मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी, आई एम रियली सॉरी मैं कोई वीडियो नहीं बना सकी है 14 अगस्त को लेके। और ना ही अगर मैं 14 अगस्त की वीडियो बनाती ना, तो मेरा इरादा था कि मैं 15 अगस्त की भी बनाऊं। बट कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट टाइम मैं कुछ स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगी पाकिस्तान, मेरे पाकिस्तानी सब्सक्राइबर, मेरे इंडियन सब्सक्राइबर्स, उन सब के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, दिन या तारीख मुकर्रर तो नहीं होती कुछ अच्छा करने के लिए। आप कभी भी अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो, तो मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर करूँगी। जस्ट मुझे जिस चीज़ का वेट है वो मुझे मिल जाए तो इंशाल्लाह ताला फिर आपको ज़बरदस्त सा मेरा काम दिखने को मिलेगा। आज है शिखा हल्दर की बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे शिखा हल्दर। आज 16 अगस्त है और आपकी बर्थडे है, तो मैं आपके लिए फटाफट से वीडियो रेडी कर दूँ। एज यू कैन सी क्लाउडी वेदर है और बादल गरज भी रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी ट्राइपॉड लगाती हूँ, छत पर कोई मौजूद नहीं है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हम अपने ट्राइपॉड को सूली पे टांगते हैं, मोबाइल को सूली पे टांगते हैं। और जल्दी जल्दी से आपके लिए मर्डर की मैं वीडियो बना देती हूँ। आपने वाटर और ड्राई कमलिंग कही थी, तो इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी से शीट्स उठाऊँ, फिर मैं वीडियो बना के इसको कवर अप कर दूँ। तो बहुत बोल लिया मैंने, और मेरे पाकिस्तानी सब्सक्राइबर्स को भी ढेरों प्यार, और मेरे इंडियन सब्सक्राइबर्स को, और सऊदी अरेबिया और जहाँ जहाँ से जो जो भी देख रहे हैं सबको ढेरों प्यार। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो मिलते हैं भाई हम आपसे क्रमलिंग के साथ। शीट मैंने उठा दी है और मैं रीज़न बता दूँ कल मैंने क्यों नहीं व्लॉग बनाया। तो रीज़न ये था कि हमारी कल ट्रांसफार्मर, फिर कल ट्रांसफार्मर उड़ गया था, 2 बजे लाइट गई है और रात के 9:30 लाइट आई है, 10 बजे बल्कि 10:30 आई है। तो ये से आपा हुआ था, पता नहीं क्यों हमारी लाइट वाले जाल लेने पर तुले हुए हैं। खैर बड़ी मुश्किल से गर्मी में दिन गुजरा, अल्लाह अल्लाह करके खैर 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 बुरे दिन हैं, देखते हैं कब तक आजमाइश है, कब तक ये जान ही छोड़ती है लाइटें। तो ये रीज़न था मेरा व्लॉग ना बनाने का। तो चले भाई वीडियो बनाते हैं, ट्राईपॉड मैंने सेट कर दिया व्लॉग, आई है वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। अच्छा जी, मैंने वीडियो बना ली है HPD हैप्पी बर्थडे शिखा हल्दर। और बातों में मैं भूल ही गई आपको विश करना, तो मेरी आपसे, मेरे अल्लाह पाक से दुआ है आपको बहुत बहुत अच्छी सालगिरह आपकी गुजरे, और अल्लाह पाक आपको बहुत 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 खुश रखे, और जो जो आपकी लाइफ में विशेज है अल्लाह सब पूरी करे, और आप हमेशा हमेशा हेल्दी और क्या कहते हैं हेल्दी रहे और हैप्पी रहे, मेरी अल्लाह से दुआ है। और अल्लाह आपका नसीब बहुत 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 अच्छा करे।
ठीक है, आई होप मुझे उम्मीद है आपको ये बर्थडे वीडियो अच्छी लगी। मैंने बहुत जल्दी भी बनाई है क्योंकि मुझे था बारिश हो जाएगी जल्दी जल्दी से, फटाफट से बादल भी गरज रहे थे, तो मैंने फिर वो उस चीज़ को उस डर में रखते हुए कहीं टेक्सचर ज़मीन पे पड़ा कहीं बैटर ना हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टेक्सचर जो है ड्राई ही क्रम्बल हुआ और बारिश भी नहीं अभी तक हुई है। तो चले हम व्लॉग रिकॉर्ड कर लेते हैं, मैंने एक ही वीडियो रिकॉर्ड करनी थी तो मैं नहीं चाहती है कि दूसरी वीडियो के चक्कर में मैं व्लॉग मिस कर दूँ, तो मैं व्लॉग बना लेती हूँ और साथ साथ आपको दिखाती हूँ खलाड़ा जो मैंने उठाना है अभी। तो ठीक है, ये देखें इतना मज़े का पेस्ट इसका बना है, लेकिन कोई नहीं, क्ले पॉट तो इसी के अंदर ही टेक्सचर रहेगा ताकि ये सेट हो जाए, फिर जो बकेट निकलेगी ना तो नेक्स्ट टाइम इस बकेट की हम फ्लोर क्रम्बलिंग करेंगे। ओके, तो जिसकी भी बर्थडे होगी भाई उसको फ्लोर क्रम्बलिंग जाएगी इसकी इंशाल्लाह ताला। तो मुझे बताएं आप लोग ना, मुझे ना जब बर्थडे वीडियो आपकी आती है ना आपने मुझे कुछ दिन पहले बता दिया करो, एग्जैक्ट डे पे आके भी मुझे बताते हो, कोई नहीं अगर मेरे बस में हो तो मैं तब भी आपको विश कर दूँ, इसमें कोई नहीं है। जिस दिन आप आके कमेंट करोगे उस दिन भी आपको मिल जाएगी, अगर मौसम अच्छा है या कोई भी मैंने वीडियो बनाई होगी आपको ज़रूर डेडिकेट कर दिया करूँगी मैं। लेकिन अगर आपके काफ़ी टाइम है भी पड़ा हुआ वीडियोज़ में, जैसे कि मुझे शिकाल ने बताया था, लेकिन फिर भी मैंने 16 तारीख को ही जाके वीडियो बनाई है, मैंने पहले नहीं। एक मिनट ज़रा इन्होंने वाशरूम तो निकल है दो, मैंने सोचा था कि मैं पहले ही बना दूँगी बट नहीं बना सकी है मैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया लाइट जब जाए ना मूड की जो बैंड बजती है ना सीरियसली बड़ा गुस्सा चढ़ता है। गर्मी से इतनी तबीयत आवाज़ आ रही होती है, मोबाइल की चार्जिंग लो पड़ी होती है, कुछ समझ नहीं आती बंदा करे तो क्या करे, और जाए भी भाई घंटों, एक घंटे नहीं दो घंटे नहीं 9 घंटे की लाइट गई हुई थी। तो आप कहते हो कि रेड क्वीन जब भी ब्लॉग में आती है तो रेड क्वीन का एक ही रोना होता है, लाइट गई है, ट्रांसफार्मर उड़ गया है, बट ये फैक्ट है, क्या कहूँ मैं खुद से थोड़ी आपको बताती हूँ, पानी तक टैंकी में मौजूद नहीं होता है, तो फिर मैं की करा इस हालत के बीच। चले क्लीनिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी डर्ट जहाँ पर गिरी हुई है और इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसी भी वीडियो बनाई है आप बस आपके लिए दिल से बनाइए, शिखा। ठीक है, चले तो चले भाई नेक्स्ट देखते हैं किसकी बर्थडे वीडियो है आज 16। एक और थी अंबिका करके उनका नाम था, उनकी बर्थडे, सॉरी मैं नाम फिर से भूल गई हूँ लिखना, अम्बरी ने मुझे इतना अच्छा सजेशन दिया था लेकिन मैं भूल गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ये ज़रूर याद करूँगी कि मैं कागज़ में लिख लूँगी नाम वगैरह सारों के। चले मैं बातें इसी चीज़ में लगा दी, मैं ज़रा क्लीनिंग करते हुए आपको दिखा दूँ। यार अंधेरी वाला माहौल होना शुरू हो गया, इससे पहले के सारा टेक्सचर उड़ जाए, ये देखिए अंधेरी चलने लग गई है। एक और सब्सक्राइबर है उनके लिए भी वीडियो बना ही देती हूँ, मुझे याद आ गया आज एक और बढ़ गया सब्सक्राइबर की, वीडियो रिकॉर्ड करने की ट्राई करती हूँ, अगर ना हुई रिकॉर्ड तो ये दोनों बर्थडे वीडियो तो दो गर्ल्स को डेडिकेट करना चाहूँगी मैं। ठीक है, दोनों एडजस्ट कर लेना आदि आदि। ठीक है, कहना कि एडजस्ट कर, कोई नहीं एक ही बड़ी मुश्किल से बननी है। देखो अंधेरी भी चलना शुरू हुई है, बादल जो आपको पता है व्यू में नज़र आ रहा होगा मोबाइल के अंदर कैसे अंदर रहते हैं। बड़ी डाल रही इसके हम इसको अलग रखो, जज़ब कर लेगी वो, पर हल्का सा पानी डाल दूंगी ना वो फिर ये होगा सेट हो जाएगी। मुझे की हवा चल रही है, यकीन करें कि मैं इस मराठी से ना ना होती, मैंने इस वेदर से ना इंजॉय करके आए आए उठ जा उठ गई, इतना इंजॉय करना था ना कि मैं सकती। चेक करें टेक्सचर का खलाड़ा किधर तक पहुंचा है, बड़ी अफरा तफरी है बच जानिया ने, ये येलो डेट का पीस है और येलो डेट की जो उस टाइम बजी हुई है ना बैंड कसमें मड भी उसमें घुसी हुई है, सीमेंट वाले टेक्सचर में
इस बादलों की, इस बाय पाइन की तो पता नहीं कब आ रही है। मैंने इस बकेट को उठाना चाहती हूँ, पर मैंने उठाया ना तो मुझे लगता है मेरा बादल भी चला ना, इतनी वजनी है ये तो, बट उठाना तो है ना, ऐसे कैसे रख दूँ मैं इसको। पेट इसके अंदर ना पहले से कोई टेक्सचर है लिक्विड वाला, मैंने इस पे हाथ वॉश किए थे तो ड्राई हो गया हुआ है। यार लग रहा होने वाली है, होने ही वाली है। वेट में आई, मैंने ना नन्ही सी डब्बी में वो टेक्सचर डाल दिया, अब हम इस टेक्सचर को इसमें डाल देते हैं। ये पाइन टेक्सचर दे रहा है ना साडा, ओए तेरा भला होए। वीजा टकाटक ये जो बर्थडे विश वाला व्लॉग है ना, ये कल आएगा, आज मैंने कल वाला जो पार्ट टू ना वो डाला। ऑलराइट यार, मैंने वो जॉइंट बकेट का साइड पे करके रख दिया और बहुत मेरा वजन मैंने ना मसल था इसका, बहुत वजन था तो खैर ये डेढ़ जो हम इसको साइड पे कर देते हैं और इसको हम इधर कर देते हैं। ये पता नहीं कौन सा टेक्सचर है, ये मेरे ख्याल से सॉफ्ट डेट है। और ये जो हमारी बाजी क्वीन है, ब्लैक क्वीन, इसको हम शायद पे पाल देते हैं और इसको भी पाल देते हैं शायद पे, ठीक है। आई डोंट नो, तुम नज़र आंदा पे और ये जाएगा। ये हमने इसको इधर कर दिया और इसको हम इधर कर देते हैं, फिर अब ब्लैक को भी, और ये देखिए इसको भी इधर कर दिया। मेरा थोड़ा सा ना वो रेड मुल्तानी मिट्टी क्रमलिंग करने को दिल कर रहा है, तो चले करते हैं हम। मेरा ना बाउल जो है ना वो भावे मैं ही बीच में नजर आ रही हूँ, हमने अपनी येलो वाली जो है ना मुल्तानी मिट्टी इसको इधर कर देते हैं। पता क्यों? क्योंकि क्योंकि मैन चलती है वो ना, तो सीट के इधर आ जाए, गीली हो जाएगी वो, और हम अपनी ना मुल्तान मिट्टी को इधर कर देते हैं और लगता साड़ी है गला दे विच बारिश स्टार्ट हो जाती है। यार एक दिल चाह रहा है मुल्तानी मिट्टी को ना छेड़ूँ, ऐसे किसी की बर्थडे वीडियो आ गई तो उसको ना डेडिकेट करनी पड़ जाए, मुल्तानी मिट्टी जो है ना अभी भी एक टेक्सचर की एक बॉल में पड़ी हुई है। चले हम थोड़ा सा ना इधर आते हैं, इसको हम थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, कर लेते हैं हर टेक्सचर गुस्से में। इस टेक्सचर में ये ब्लैक डर जो हम एकदम निकालू, मैं ये ब्लैक येलो कुछ मिक्स ही हो गई है, जब मैं इसको ब्लैक में डाला ना तो इसने ब्लैक का कलर थोड़ा सा लाइट कर देना,
पर ब्लैक ही है, मैंने ब्लैक में वैसे डालना ही है चारकोल फिल लिक्विड, इसी में लगा देते हैं, नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए, क्योंकि मैंने ना ब्लैक लिक्विड मिलाना है अंदर, तो उससे थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा अगर हो भी गया काला वाला ओ लाइट का। इतना मज़ा आ रहा है ना, मौसम इतना सुहाना है, बाकी का हम उस बाकी वाले तरीकों में टूट सकते हैं। चले ये देखें, हमने जैसे थोड़ी क्लीनिंग कर दी है, अब हम ना ग्रे डर्ट को बाहर निकाल लेते हैं। ये इज अ ग्रे डर्ट, ये देखें बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, यस सर थ्री बैग्स फूल, फूल नहीं फूल, वन फॉर द नेस्ट वन फॉर द डैम, आई मीन पोएम ही आती वन फॉर द लिटिल वन एंड एनी हाउ नाउ। कद्दू जो है ये पोएम सुनता रहता, कद्दू की पोएम जो है मुझे लाके देंगे थोड़ी बहुत, बिकॉज नन्हे बॉस है ना वो, छोटी सी नन्हे बॉस ही तो हैं वो। ये उठाते हैं पहले, पहले ना हम ये निक्के वाले उठाते हैं, ये ना बड़े वाले के चक्कर में ना ये यार इसको इधर ना रखते हम ऐसे करके, हैं ये देखें ऐसे करके रख देते हैं, नजर आ रहे ये देखें ये हमें ग्रे डर्ट को कैसे सेट किया है, यही बस है ग्रे डर्ट मिली पड़ी है ना गाची, उसकी हम बोल बना लेंगे फिलहाल ऐसा देखिए। चले ये देखें, हमने अपनी येलो डर्ट रखी है या मुल्तानी मिट्टी रखी है, ये ग्रे डर्ट रखी है, ये सॉफ्ट डर्ट है, इस रेड डर्ट को भी हम इधर ही एडजस्ट करते हैं, थोड़ी सी एडजस्टमेंट ही देख लें आज आप। ये भाई रेड डर्ट की वीडियो हमारी बर्थडे गर्ल्स को ही जाएगी, एक रिक्वेस्ट आई हुई थी मुझे, सॉरी सॉरी उसकी भी है, मैं पढ़ूंगी जाके फिर उसको ये वीडियो जाएगी। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त सी ड्राई हुई है ये भी, तो जाएगी वीडियो ये भी छोटी सी काकी टू, यही तो उठाने से भूल रही है। चलो जी ये देखिए हमने रख दिया, अब थोड़ी सी जो रह गई है हम सारी से एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ये ना मेरे सीमेंट और टेक्सचर निकाल के रखने के लिए सेट हो गया है, ये देखिए हमने रेड डॉट भी रख दिया, मैंने थोड़ी सी ये जगह सही कर लूँ फिर मिलती हूँ। अच्छा ये देखिए मैंने ना थोड़ी बहुत डर्ट्स जो है आधी पाधी डर्ट्स जो है थोड़ी सी तरतीब से रखी हैं, अंदर से जो लिक्विड पाउडर था सवाई ये वाले टेक्सचर कोई उठाने के लिए मैंने कहा नहीं उधर ही रहने, जितना उठा रही हूँ उतना क्रम्बल हो रहा है, तो इसको बेहतर है मैं इतना ही रख दूँ। वाइट डर्ट को इधर किया है, ये जगह थोड़ी हाली की है, मैंने कहा कि अगर प्योर सीमेंट की चंक्स सेट हो गए ना तो फिर हम इसको इधर रख देंगे। खैर थोड़ा सा बारिश में किसी टेक्सचर की क्रमलिंग करते हैं, लेकिन मैंने ज़रा ये थोड़ी सी जगह साफ कर, मैंने कहा बारिश हो ना जाए इससे पहले, तो हमने थोड़ी सी ना मुल्तानी मिट्टी की क्रमलिंग करते हैं। ठीक है ये देखिए क्रमलिंग ऑन द पेस्ट, ये डैम है थोड़ी इसलिए ना ऐसी फील हो रही है कि हार्ड है।
इसकी इसकी भी कर देते हैं एक शेप की और। ये मुझे ड्राई नहीं लग रही, ये देखो ड्राई। पता नहीं ये डैम्प है, ज़्यादा ही डैम्प है। टेस्टर नीचे गिर गया बड़ा। मैं हैरान है, जब मैंने इसको दिखाया था उससे ब्लैक थी ना, ये देखिए इसमें से ब्लैकनेस चली गई है। बारिश लग रही है, बड़ी तेज हो रही है, क्योंकि फील हो रहा है ऐसा। ग्रैंड टेक्सचर नहीं, मज़ा आता। इसको मैं ऐसे सोच रही हूँ छोड़ दूँ, बारिश का पानी जाएगा ना अंदर, खुद ही वेट हो जाएगा ये टेक्सचर। इसकी क्रमलिंग कर दी, अब हम ना किसी रोटी करते हैं और फिर इसको हम चलो इसको छोड़ते हैं और किसी और टेक्सचर की करते हैं। इतने बड़े क्ले पॉट कभी साइड में करने, वो इतना हैवी है ना, लेकिन करना तो है ना। तो ग्रेट डर्ट है ऐसी, इसमें इसको भी किसी डब्बी में निकालना पड़ेगा। चलो इसी के अंदर किसी टेक्सचर की क्रमलिंग करते हैं। खैर मुझे बड़ा मज़ा आता है जब नन्हे नन्हे टेक्सचर की क्रमलिंग में करती हूँ। एक ग्रे डर्टी है, इसी में हम ग्रे डर्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, वही डस्टी है। चले हम इसके अंदर पानी डाल के रख देंगे। ताहिर पानी डालूँ जरा इसमें। ये मुझे टेक्सचर जो है ना नज़र आ रहा है। हाँ मैंने कहा ये मलिया मेट हुआ हुआ है। भाई साहब इतने क्यूट ग्लास बनाए थे मैंने, बट ये देखे। हमें ये पकड़ना चाहिए हाथ में। एक तो कचोला बजा हुआ, गुड़ कचोले मारो इसमें। इतने प्यारे ग्लास बनाए थे, नीचे बारिश से सारे टूटे हुए हैं। इसको ना हम एडजस्ट कर देते हैं। भाई साहब ये देखिए,
ये देखे किधर किधर तक ग्लासेस शेप्स थी। यार ताहिर देखे ऊपर आया हुआ है, मेरा क्रमलिंग से फोकस हटा हुआ है। देखे वेट अ मिनट, यार ताहिर ने वॉशरूम कर दिया था उधर, मुझे वो साफ करके आई हूँ मैं अभी। क्या करे बंदा, जाहिर है उसको मैं क्लीन ना करती तो फिर मेरे से काम नहीं होना था। मेरा वो काका जो है वो परेशान हो गया था। मैंने आवाज दी है दो बार नीचे पर नहीं कोई आया, फिर मैंने कहा चलो मैं सब कर देती हूँ क्लीन। इसका बच्चा जो है ना वो औजार होता है कि गद्दा हुआ हुआ है और इसी तरह वो फिर खड़ा रहता, तो मैंने ना फिर क्लीन करके उसको साफ़ सुथरा करके नहला के अच्छे से हाथ धो के जगह भी साफ करके फिर मैं आई हूँ। तो मेरा टाइम उसी में लग गया। अब ना मैं ज़रा एक मिनट, ज़रा ये ग्लासेस की एडजस्टमेंट कर दूँ, एक मिनट ज़रा रुके। पता है क्या एडजस्टमेंट हुई होगी ना तो ना जगह जो है ना काम घेरी जाएगी। इतने प्यारे ग्लासेस बनाए थे मैंने, बट कोई नहीं, हाँ सलामत रहे तो बंदा फिर बना लेगा। ठीक है अभी तो मैं चले, यार येलो सैंड की तो बैंड बज गई है कसम। पाउडर ऊपर से रफ हो कि ना वो हो गया हुआ है। ये सारे ग्लासेस जो है ना एडजस्ट करने के बाद हम जो बच्चे हैं ना इनकी काराबलिंग कर देंगे। काराबलिंग चेक करें मेरी एडजस्टमेंट, अब ये शीट ऊपर दी जाए आसानी से, ये ना कि शीट जो है ना वो दी ना जाए। चलो अब ये जो दिखते नीचे है ना चूरा इसकी क्रमलिंग करते हैं। ये ना गीला हो जाएगा ना तो कहीं जाएगा नहीं, गीली रहेगा।
करती हैं और मेरे से एक खास क्रमिंग नहीं हो रही क्योंकि मैंने एक हफ्ते माइक पकड़ा हुआ है। अगर मैं माइक पीछे कर दूँगी तो साउंड नहीं आना। सारा सैंड सीमेंट में ना टेक्सचर जा रहा है, ये वाला वो प्योर है। मैं वो लिख रही स्पैचुला, वेट ये वाला पार्ट किसने एंजॉय किया, ये एडजस्टमेंट और साथ में क्रमलिंग का। इसको हम ना कवर कर देंगे अच्छे से। शीट साड़ी यहाँ से बैठ गई है पर क्या करें। चलो इसको बंद करते हैं और मैं ना शीट को कवर कर दूँ। फुल बारिश वाला मौसम हो गया, ये देखिए मैं अभी कवर कर रही थी, बारिश शुरू हो गई है और मैंने फटाफट शुक्र से करा, शुक्र है कवर कर दिया। अब मैं फुल गीली हो गई हूँ, ये देखें नीचे जा रही हूँ, चार्ज भी उठानी है। अच्छा एक मिनट, अच्छा ये मैंने कवर कर दिया है, बारिश में चाटने तक करने याद नहीं रही है तो अब मैं बंद कर रही हूँ ब्लॉग में, लेकिन कल इंशाल्लाह कभी देखते हैं। अल्लाह हाफिज़, ढेर सारा प्यार, लव यू ऑल।